गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मारुति मल्टी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि गोटा, गोना, वना, लेमी, गिमी, लोल या इन इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ कि ये जो वर्ड्स हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, इन्हें हम लेटर में या मेल में, कॉन्फिडेंशियल मेल में, ऑफिशियल मेल में इनका यूज़ नहीं किया जाता है। ये अगर हम किसी अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, टेक्स्टिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, जैसे कि फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, स्काइप पे, तो हम वहाँ पे इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस, आगे वीडियो में देख लेते हैं ये जो कॉम्पैक्ट और शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश के किन वर्ड्स को मिला के बना गया है और यह किस जगह इन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं वना की। वना का हम यूज़ करते हैं वन टू के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों गोना। गोना का यूज़ होता है गोइंग टू के लिए। गोटा हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ हैव गोट टू आया हो। गिमी का यूज़ होता है गिमी के लिए। लेमी का यूज़ होता है लेट मी के लिए। लोल का यूज़ होता है लाफिंग लाव आउट लाउड के लिए। और यप का यूज़ होता है येस के लिए। तो चलिए दोस्तों, इन वर्ड्स का यूज़ इंग्लिश चैटिंग में और कन्वर्सेशन में कैसे किया जाता है वो आगे वीडियो में मैं आपको एक एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। जैसे पहले देख लेते हैं वना। आई वॉन्ट टू मीट यू। तो यहाँ पर हम वॉन्ट टू को वना से रिप्लेस करके ये सेंटेंस अब ऐसे हो जाएगा, आई वना मीट यू। तो इससे जो हमारा सेंटेंस है काफ़ी कॉम्पैक्ट और छोटा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं गोना की। आई एम गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पे हम गोइंग टू को गोना से रिप्लेस करके ये सेंटेंस हमारा ऐसा बन जाएगा, आई एम गोना मुंबई। अब हम देख लेते हैं गोटा का यूज़ क्या कहाँ पे होता है। जैसे कि आई हैव गो टू दिल्ली। तो हम यहाँ पे हैव गो टू को गोटा से रिप्लेस करके सेंटेंस हो जाएगा, आई गोटा दिल्ली। तो ये देखिए सेंटेंस कितना छोटा हो गया है। अब गिमी का यूज़ देख लेते हैं। जैसे गिव मी ए पेन। तो गिव मी ए पेन। लेमी का यूज़ देखते हैं अब, लेट मी गो। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, लेमी गो। यप का यूज़ अब देख लेते हैं, येस आई विल डू। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, यप आई विल डू। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।